डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वित्तीय उत्तोलक यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। ये टॉपिक मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी समझाया था, जिसमें फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके बताए थे। इसके अलावा आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में भी समझा चुका हूँ, ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी करवाई है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी आपको बताया, यानी कि एक तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है कई बार बताया आपको कि कैसे डेट का फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज का फायदा उठा सकते हैं, कैसे जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर डेट ज्यादा है तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, इसके अलावा उतने ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो ये जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको उसमें भी समझाया है कई बार, लेकिन अलग से आप टॉपिक कर ही रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज, तो मैं आपको ये बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको इजीली समझ में आए। परिभाषा वगैरह छोड़ के सिंपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आपको बिजनेस कर रहे हैं और आपको उसके लिए 200 रुपए की आवश्यकता है। 200 रुपए आपको एक बिजनेस के लिए चाहिए और उस बिजनेस में मान लेते हैं 15% आपको रिटर्न मिल रहा है। 15% आपका रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको 15% इसमें मिलेगा और 200 रुपए इसमें मिनिमम आपको लगाने हैं। वैसे 200 में कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं इसको। अब यानी कि आपको इसमें 200 का 15% यानी कि 30 रुपए मुनाफा होने की संभावना है। अब आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं और आपको अब 100 रुपए और चाहिए। आपके पास खुद के पास 100 रुपए ही हैं, अब आपको इसके लिए 100 रुपए और चाहिए। अब आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है आपने किसी फ्रेंड से ये पकड़ लिया, उसको कहें भाई ये दे, उसको कैसे जैसे फंसाएं, किसी से भी आप अपने रिश्तेदार से या जानने वाले से या कोई इंटरेस्टेड हो पार्टी उसको आप कह सकते हैं कि आप मेरे को 100 रुपए दे दो और मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टनर बन जाओ। वो आपको 100 रुपए दे देता है, 100 रुपए आपके अपने हैं, खुद के हैं, और 100 रुपए में आपने किसी और को साथ में पार्टनर बनाना है। ये ऑप्शन आपके पास है, आप एक तरीके से कह सकते हैं आप दोनों उसमें शेयर होल्डर हो 50-50% के उस कंपनी या उस वेंचर में। अब जब आपके प्रॉफिट आएंगे तो आप दोनों को 15-15 बन जाएंगे। 30 है, 200 रुपए आपने बना लिए, इसमें आपको 30 रुपए का इनकम होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी 15% है, तो आपको यहाँ पे 15-15 दोनों को मिल जाएंगे। 30 है जो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। ये आपने स्कीम बनाई, स्कीम को आप बनाए रहे हो, इतने में आपको एक फोन आ जाता है। कई बार हमारे पास फोन आते हैं ना लोन ले लीजिए, वो कई तरीके से आपको क्या नाम है चाहते हैं कि आप इसे भी लोन ले लें, आपको अच्छा अच्छा ऑफर देते हैं, इतने में मिल रहा है, इतने टर्म्स हैं, ऐसा कोई आपके पास फोन आ जाता है किसी बैंक से और वो आपको ये बोलते हैं कि हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको लोन दे देंगे सिर्फ 10% में, यानी कि आप हमसे ले लीजिए पैसा और हम आपको सिर्फ 10% चार्ज करेंगे। अब आप जब ये स्कीम बना रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने जानने वाले के साथ कि हम ये जो है ऐसा बिजनेस करते हैं और इस तरीके से रिटर्न आएगी, 50-50 डिवाइड कर लेंगे, इतने में अगर आपको कोई ये ऑफर दे देता है जो एक प्रकार का आपको डेट दे रहा है, तो आपको ये 10 रुपए ही इसको देने पड़ेंगे इंटरेस्ट में। अब आप तो 30 रुपए कमा सकते हो, आपको देने उसको उसके 100 रुपए के लिए आप 100 रुपए लोन ले लेते हो उससे और अपने ये जो फ्रेंड को आप क्रॉस मार देते हो इससे नहीं लेना यहां से लेते हैं, तो 10% देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे 30 रुपए कमा सकते हो, आप बैंक को 10 रुपए देते हो और उसको कहते हो जाओ ठीक है, और आपको यहाँ पे 30-10 20 का बेनिफिट हो जाता है खुद को अकेले को। जहां आप 15 रुपए ही ले सकते थे वहां पे अब आपको 20 मिलेगा, किस पर, आपके 100 रुपए, यानी कि आपका रिटर्न जो है 20% हो गया इस बिजनेस में, आपको 20% रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां से बैंक से लेने वाला आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है, आप अपने 15 रुपए से बढ़कर यहाँ 20 रुपए तक पहुंच सकते हो। तो किसी फ्रेंड को मिलाने के बजाय एक तरीके से अगर बिजनेस की बात करें, अगर कंपनी की बात करें, तो शेयर ज्यादा इश्यू करके शेयर होल्डर्स बढ़ा के अर्निंग पर शेयर कम करने के बजाय अगर वही कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, लोन लेती है, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होंगी, थोड़ा कम ब्याज देना पड़ेगा, उनकी जो बाद में जो अर्निंग बच जाएगी जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो ज्यादा रह जाएगी, अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो जाएगी। तो ये है एक तरीके से लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज है, यहाँ पे आपको क्या नाम है ज्यादा इनकम मिल रही है,
₹15 मिल सकते थे ऋण के साथ, लोन लेने पर आपको ₹20 मिल रही है, आपको इसमें बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक और समस्या है, ये अनफेवरेबल भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। हो सकता है आपको लॉस हो जाए, आपको लॉस हो गया तब क्या करेंगे? तब आपने जो लोन दे रखा है उसमें ₹10 तो आपको देने ही देने, आपके पास तो कोई कमाई नहीं हुई, वो बैंक आपसे ₹10 मांगेगा, आपको बैंकरप्ट कर देगा, दिवालिया हो जाओगे। हालांकि ₹10 में कोई दिवालिया नहीं होता और ₹30 के बिजनेस के लिए कोई इतना रिस्क नहीं रहता, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आप बैंकरप्ट हो सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रही है लेकिन आपका रिस्क भी है। अगर प्रॉफिट अच्छे होते हैं, हायर मार्जिन है, हायर प्रॉफिट है, तब ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है, और अगर प्रॉफिट नहीं होते, लॉस हो जाता है, तो ये अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि आपको ये ₹10 तो देने ही देने हैं, ये आपसे देने ही पड़ेंगे आपको, वरना आप पे क्या नाम केस भी हो सकता है, आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में डिपेंड करता है, अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स हैं तब आपको ये लोन का ऑप्शन लेना चाहिए। इसको कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो लेवरेज का फायदा आप उठा सकते हैं, दोनों दिशा में जाएगा, आपको बेनिफिट भी होगा, आपको नुकसान भी होगा। आप अपने दोस्त की बजाय किसी बैंक से लेंगे तो ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कम होगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, वित्तीय उत्तोलन। अब इसका फॉर्मूला भी समझते हैं और इसका न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं। आप फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, EBIT over EBT, यानी कि earning before interest and tax over earning before tax but not interest। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, EBIT minus interest। ये चीज है यहाँ पे, ये जो है आपके operating profits और ये है taxable profits। अब ये हो गया आपका financial leverage का formula। अब एक होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अगर एक ही लेवल दे रखा है तब तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर दो लेवल हैं तो होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला है, ये आप लिख सकते हैं। अगर एक ही लेवल दे रखा है आपको तो दोनों ही आपको ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी इससे निकल जाएगा, वरना ये दो फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम कैलकुलेशंस करेंगे, एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, मान लेते हैं आपको सेल्स दे रखी है 50,000 की, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 25,000, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 15,000 और इंटरेस्ट दे रखा है आपको 5,000। अब आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालनी है, इसके अंदर फाइनेंशियल लेवरेज आपको निकालनी है, आपको दे रखा है, इसको देख लीजिए, 50,000 सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 25,000 है, फिक्स कॉस्ट 15,000 है, इंटरेस्ट आपका 5,000। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे फाइनेंशियल लेवरेज का, अभी मैंने आपको बताया ईबीआईटी ओवर ईबीटी, ये फॉर्मूला आपको याद यूज करना है। तो पहले हम ईबीआईटी निकालेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब उसके अंदर क्या 50,000 हमारी सेल्स हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस 25,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 है, 50,000 माइनस 25,000 माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी कि आपके ईबीटी आ जाएंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट ओवर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स कॉस्ट आपके आ जाएंगे 10,000, 50,000 माइनस 25,000 25,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से 15,000 आप फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपका 10,000 आपके ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब ईबीटी निकालना है आपको, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये ईबीआईटी
माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 आपका ईबीआईटी है, इसमें इंटरेस्ट आपको 5,000 दे रखा है, यहाँ पे 5,000 इंटरेस्ट दे रखा है, ये आपका कितना आ गया 5,000 ही आ गया, आपका ईबीटी 5,000 आ गया। 10,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हमारा ईबीटी आ जाएगा, ये यहाँ पे बुक करेंगे 5,000, ये हमारी फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल 50,000 सेल्स दे रखी थी, वेरिएबल एक्सपेंसेस 25,000 प्लस कॉस्ट 15,000 इंटरेस्ट 5,000, ये जो है इससे हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकाली यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाली और उसको हमने ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट जो हमने यहाँ निकाला 5,000 यहाँ पर लिख दिया, दो हमारी फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगी। तो फाइनेंशियल लेवरेज दो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो न्यूमेरिकल बुक में दे रखे हैं अटेम्प्ट कीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए, पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालेंगे, ईबीआईटी निकालेंगे, फिर आप इंटरेस्ट वगैरह लेस करके प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालेंगे और फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके आप फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये आप करके देखिए, उसके बाद हम और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।